नमस्कार, मैं अनुज सोम। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, बात चल रही थी 1857 की क्रांति की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मेरठ से विद्रोह हुआ और मेरठ के विद्रोह में किस प्रकार वैश्याओं की भूमिका रही। तो अब हम विद्रोह के प्रसार की बात करेंगे कि किस प्रकार विद्रोह मेरठ से निकल के पहले दिल्ली पहुंचा और इसके बाद धीरे धीरे भारत के काफी भागों तक ये विद्रोह हुआ। हालांकि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण भारत लगभग विद्रोह से क्या रहा, एक तरीके से अछूत रहा, यानी कि दक्षिण भारत में विद्रोह नाम मात्र का हुआ था। हालांकि अभी जो हाल ही में रिसर्च जा रही है वे कहती हैं कि दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुआ है, लेकिन उनका जो योगदान है वो एक तरीके से नाम मात्र है। अब विद्रोह में जो मुख्य भूमिका सबसे ज्यादा निभाई थी, ये निभाई थी अवध के सैनिकों के द्वारा। लेकिन मैं जहां से वीडियो खत्म हुई थी पिछले वाली, वहां से शुरू करता हूं। देखिए, हुआ ये था कि जैसे ही क्या होता है, मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह के द्वारा किया जाता है। तो मेरठ में जैसे ही विद्रोह होता है तो मेरठ के जो सैनिक हैं ये एकत्रित होकर 85 सैनिकों को छुड़ा के और ये जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में ये मिलते हैं बहादुर शाह जफर से। अब बहादुर शाह जफर कहते हैं कि भाई साहब, मैं तो हो गया बूढ़ा, मैं तो जो है बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की विद्रोह का नेतृत्व तो करना नहीं है और ना ही मैंने कोई लड़ाई लड़ी और मुझे इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। तो बहादुर शाह जफर जो है साफ मना करते हैं विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन सैनिकों के द्वारा जबरदस्ती की जाती है और बड़े अनमने मन से बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली से सैनिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दिल्ली पे सैनिक नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर के स्थान पे बख्त खान ने किया था। बख्त खान का मूल नाम है खान बहादुर खान। तो जो बख्त खान है इनका नाम है खान बहादुर खान। आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो बरेली में भी इन्होंने ही विद्रोह किया था। तो बहादुर शाह जफर की तरफ से सैनिक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। हालांकि यहाँ एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं जो काफी डीप है। ये हुआ ये था कि सैनिक नेतृत्व जो है मिर्जा मुगल को सौंपा गया था। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर के लड़के थे, लेकिन मिर्जा मुगल ने सैनिक नेतृत्व करने से मना किया, तब जाके ये सैनिक नेतृत्व बख्त खान को सौंपा गया। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही सैनिक पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली पर अधिकार करते हैं और इसके बाद अंग्रेजों को, जितने भी अंग्रेज हैं, ये मार के वहां से भगा देते हैं। तो जल्द ही विद्रोहियों का दिल्ली पे कब्जा हो जाता है। लेकिन ये खबर कैनिंग को मिलती है, क्योंकि कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल है। कैनिंग इस समय था कहां पे, कैनिंग इस समय है शिमला में। अब शिमला में जैसे ही खबर मिलती है कैनिंग को कि दिल्ली में विद्रोह हुआ, पहले मेरठ में विद्रोह हुआ और ये फैल के दिल्ली तक पहुंच गया, तो उसके हाथ पैर फूल गए। लेकिन कैनिंग का यहाँ पे क्या रहा, कैनिंग का सौभाग्य ये रहा कि कुछ भारतीय शासकों के द्वारा कैनिंग का साथ दिया गया था। अब कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने गोरखा सैनिक की मदद से दिल्ली पे आक्रमण किया और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि देखिए, मेरठ से विद्रोह हुआ, दिल्ली में फैला, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के पास दिल्ली वापस आ गई। यहाँ पे कब आई, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन इस अधिकार करते समय होता यह है कि इस अधिकार करते समय एक अंग्रेज अधिकारी निकलसन की यहां पे मृत्यु हो जाती है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली के विद्रोह को दबाते समय किस अंग्रेज अधिकारी की क्या होती है, मृत्यु। तो दिल्ली के विद्रोह को दबाते समय क्या होता है, निकलसन की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद ये होता है कि जैसे ही अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करते हैं तो हमारे जो बहादुर शाह जफर हैं, हमारे बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, ये हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं। अब हुमायूं के मकबरे में छिपते हैं तो यहाँ पे हडसन के द्वारा इन्हें ढूंढा जाता है। तो इनकी मदद कौन करता है, इनकी पत्नी का नाम है जीनत महल और दूसरे हैं इलाही बख्श, मैंने लिखा था ये दोनों, इलाही बख्श और जिन्नत महल। हडसन को ये बताते हैं कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ है। तो हडसन के द्वारा क्या होता है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है हुमायूं के मकबरे से। ये पॉइंट एग्जाम आया है, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेजर हैरियत, एक जज है मेजर हैरियत के द्वारा इन पे मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमे में क्या होता है, मुकदमे में जज के द्वारा इन्हें दंड दिया जाता है कि आपको देश निर्वासित किया जाता है।
तो ये हुआ ये कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही 1862 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन यहां से मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, जिस समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया उस समय की कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो ये कविता क्या है, अंग्रेज और बहादुर शाह जफर के द्वारा कही गई है, ऐसा बहादुर शाह जफर ने लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अंग्रेज कहते हैं कि ए जफर अब बुझ चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी तब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इसके बाद जो है इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा एक लाइन और बहादुर शाह जफर के द्वारा लिखी गई है, इन्होंने लिखा है कि कितना नसीब है ए जफर, 2 बीघा जमीन भी नहीं मिली ऊंचे यार में। कहने का मतलब ये था कि इनकी जो है मृत्यु वो कहाँ पर होती है, रंगून, भारत में इनकी मृत्यु नहीं होती। तो इन्हें ये दुख होता है कि इनका अंतिम समय जो है वो दूसरे देशों में गुजरा, भारत में इनका अंतिम समय नहीं गुजरा। लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन क्या एग्जाम आए, देखिए बहादुर शाह जफर का लड़का है मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, इनको अंग्रेजों के द्वारा गोली मार दी जाती है। तो ये था हमारा दिल्ली का विद्रोह। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अलग अलग स्थान पर विद्रोह हुआ है, तो मैं ये कोई सीक्वेंस से आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगला विद्रोह हम पढ़ते हैं कहां पे, झांसी। झांसी का सभी ने सुना है कि झांसी में हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई थी। अब यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम आए हैं वे किस तरीके से हैं, देखिए जनरली क्वेश्चन है, जनरली सभी जानते भी होंगे, मैं भी, लेकिन जो नहीं जानते वे भी आप अच्छी तरीके से याद रखो। एक क्वेश्चन एग्जाम आया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जिन्हें बचपन में मनु के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में, अभी मैं हाल फिलहाल में वाराणसी भी गया, तो वाराणसी में एक घाट है जहां पे मृतकों को जलाया जाता है और उस घाट का नाम भी मणिकर्णिका घाट ही है। हालांकि उस घाट का इनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे होता यह है कि लक्ष्मीबाई के पति हैं गंगाधर राव, तो गंगाधर राव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की वजह से, जल्द ही मृत्यु होने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई के कोई बालक नहीं था। तो इन्होंने अपना क्या किया, एक बच्चे को गोद लिया और इस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पर डलहौजी के द्वारा क्या था, गोद निषेध प्रथा लागू की गई थी, जिसकी वजह से डलहौजी ने इनके पुत्र को लीगल पुत्र नहीं माना और इसी कारण लक्ष्मीबाई के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह। अब होता क्या है कि लक्ष्मीबाई जैसे ही ये लक्ष्मीबाई विद्रोह करती हैं, ये झांसी के आसपास क्षेत्र को पुनः जीतती हैं और वहां से दोबारा शासन करने लगती हैं। लेकिन अंग्रेज दोबारा से झांसी पर कब्जा करते हैं, तो रानी झांसी की जो लक्ष्मीबाई है, सॉरी ये लक्ष्मीबाई चली जाती है ग्वालियर, और ग्वालियर में भी कुछ सैनिकों की मदद से वापस जो है झांसी को जीतने का प्रयास करती है और काफी हद तक झांसी पे द्वारा अधिकार भी हो जाता है। लेकिन द्वारा अंग्रेज यहाँ पे आक्रमण करते हैं और इस बार एक गद्दार महिला जिसका नाम था क्या, इस महिला का नाम है बैजाबाई, बैजाबाई। तो गद्दार महिला कौन है, ये है बैजाबाई। इस बैजाबाई के कारण क्या होता है, इस बैजाबाई के कारण रानी लक्ष्मीबाई के गोली लग जाती है और इनके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कहती है कि मेरा सब अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो इनका एक प्रमुख सेवक है जिसका नाम था रामचंद्र देशमुख। तो रामचंद्र देशमुख के द्वारा इन्हें गंगादास की कुटिया में ले जाया जाता है और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार होता है। और इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि बनी हुई है कहाँ पे, ग्वालियर में। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया कि जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में, और समाधि कहाँ पे है, समाधि है ग्वालियर में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ लेकिन यहाँ एक चीज और है, यहाँ पे झांसी का एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, झांसी की रानी को क्या कहा गया, झांसी की रानी को महल परी कहा गया है, ध्यान रखेंगे आप, ये नाम है महल परी। और जिस समय यहाँ पे विद्रोह जो दबाया गया है, ये दबाया गया था ह्यूरोज, तो ह्यूरोज क्या कहता है, ह्यूरोज कहता है कि 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में यहां से पूछे गए क्वेश्चन है। तो आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद जो है बिहार में विद्रोह होता है। अब बिहार में विद्रोह सबसे पहले दानापुर में होता है, दानापुर बिहार में है, तो सबसे पहले विद्रोह दानापुर में हुआ और दानापुर से विद्रोही एकत्रित होके, मतलब दानापुर से विद्रोही एकत्रित होके कहां पे आए, ये आए जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन है, जगदीशपुर के जो वे हैं जमींदार, इनका नाम है कुंवर सिंह।
तो कुंवर सिंह से मिले और कुंवर सिंह क्या करते हैं, फिर विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। कुंवर सिंह ऐसे बहादुर व्यक्ति थे जिनकी आयु 80 वर्ष थी और इन्होंने बार बार अंग्रेजों को पराजित किया। अनेक स्थानों पर कुंवर सिंह के द्वारा अंग्रेज पराजित किए गए, लेकिन ऐसे ही एक युद्ध में होता यह है कि इनकी भा में गोली लगती है और भा में गोली लगने की वजह से ये घायल हो जाते हैं, लेकिन बाद में 80 वर्ष की आयु में अपना हाथ काट के गंगा को समर्पित कर देते हैं और इसी हाथ में गलाव होने की वजह से बाद में इनकी मृत्यु होती है। तो यहां से फिर बाद में विद्रोह का नेतृत्व करता है इनका भाई अमर सिंह, लेकिन वो एक योग्य शासक नहीं रहा, मतलब एक योग्य शासक साबित नहीं हुआ और अंग्रेज जल्द ही क्या कर लेते हैं, बिहार पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुंवर सिंह का योगदान ये रहा कि कुंवर सिंह ने बिहार से बाहर भी विद्रोह को फैलाया। अब कहां कहां फैलाया, रीवा में, बांदा में और लखनऊ तक भी इनका इंपैक्ट था। और बहादुर सूरी कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, कुंवर सिंह की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। और यहाँ पे विद्रोह किसने दबाया, तो यहाँ विद्रोह दबाता है विलियम टेलर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कहाँ पे, लखनऊ की। देखिए लखनऊ में जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह किया बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल कौन है, बेगम हजरत महल लखनऊ की जो है रानी है। यहाँ पे होता ये है कि 1856 में अंग्रेजों के द्वारा कुशासन का आरोप लगा के अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था और यहाँ के जो अंतिम नवाब थे इनको कलकत्ता में भेज दिया गया था। तो ये आपको बताना है कि यहाँ के नवाब कौन थे, ये कमेंट करके आप बताइए कि यहाँ के नवाब कौन थे। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि इन्हें नाचने गाने का काफी शौक था और भारत में कथक नृत्य को, यानी कि उत्तर भारत में कथक नर्तक को, जो कथक डांस करने की कला है, उसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है क्या, बेगम हजरत महल जिन्हें महक परी कहा गया, तो ये इंपोर्टेंट है। देखिए झांसी की रानी महल परी और बेगम हजरत महल महक परी, तो महल परी और महक परी में अंतर है, ये आप देख लेंगे। तो बेगम हजरत महल क्या करती हैं, अपने लड़के ब्रजेश कादिर को लखनऊ में नवाब घोषित करती हैं और यहां से ये विद्रोह करती हैं। तो यहां से क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा विद्रोह, मतलब सबसे ज्यादा किस स्थान के सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था, तो सबसे ज्यादा अवध यानी कि लखनऊ के सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, विद्रोह को दबाते समय हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील की लखनऊ में मृत्यु होती है और इसके बाद लखनऊ के विद्रोह का दमन किया जाता है कैंपबेल के द्वारा। लेकिन बेगम हजरत महल क्या होती है, बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चली जाती है और वहीं पे गुमनामी में इनकी मृत्यु होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम आया है कि विद्रोह के समय कौन कौन भाग के नेपाल चले गए थे, तो बेगम हजरत महल नेपाल गई थी और इसके अलावा कानपुर में, कानपुर से कौन नाना साहब भी भाग के कहां पे चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो लखनऊ के बाद हम सीधा कानपुर आते हैं, कारण यह है कि लखनऊ के बाद कानपुर में विद्रोह हुआ, ठीक है। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहब के द्वारा किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो नाना साहब का वास्तविक नाम है धुंधु पंत। अब होता यह है कि बाजीराव द्वितीय की, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया था, बाजीराव द्वितीय की 1853-54 में जब मृत्यु होती है तो बाजीराव के बाद जो है नाना साहब ये जो है क्या कानपुर के आसपास जो बिठूर क्षेत्र है उसमें द्वारा पेशवा बनते हैं, लेकिन अंग्रेज इन्हें पेशवा मानने से मना कर देते हैं और इनकी पेंशन भी नहीं देते, तो इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। अब होता यह है कि जैसे यहाँ पर क्या देखिए, जैसे बहादुर शाह जफर की ओर से बख्त खान ने सैनिक नेतृत्व किया, इसी प्रकार नाना साहब की ओर से तात्य टोपे के द्वारा सैनिक नेतृत्व किया गया। तात्य टोपे का भी यूपी पुलिस में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तात्य टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग और ये विद्रोही में ऐसे एकमात्र विद्रोही थे जो निष्पक्ष होकर लड़ रहे थे। रामचंद्र पांडुरंग ने लक्ष्मी बाई का भी साथ दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बाद में होता क्या है, रामचंद्र पांडुरंग यानी के तात्य टोपे ये भी नेपाल में चले जाते हैं भाग के, लेकिन इनका एक दोस्त है मानसिंह और मानसिंह की गद्दारी के बाद ये अंग्रेजों के अधिकार में आता है और अंग्रेज इन्हें बाद में फांसी दे देते हैं। तो तात्य टोपे का इस क्रांति में मुख्य योगदान था।
अब होता क्या है, देखिए नाना साहब के समय ही एक घटना घटित होती है, सती चोरा कांड। सती चोरा कांड में क्या होता है, क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत से अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन होता यह है, इस हत्या का आरोप लगता है नाना साहब पे, लेकिन यहाँ पे एक महिला है जिसका नाम है हॉल्टे स्टेट। हॉल्टे स्टेट नामक महिला क्या कहती है, हॉल्टे स्टेट नामक महिला ये कहती है कि सती चोरा कांड के लिए नाना साहब जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे विद्रोह कौन, यहाँ पे विद्रोह का दमन करता है हैवलॉक, सॉरी यहाँ पे विद्रोह का दमन कौन करता है, यहाँ पे है कैंपबेल के द्वारा, सॉरी कैंपबेल के द्वारा यहाँ पे विद्रोह का दमन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाना साहब और बेगम हजरत महल लखनऊ चले जाते हैं, और सॉरी नाना साहब और हजरत महल भाग के नेपाल चले जाते हैं, सॉरी भाई थोड़ा फ्लो बन गया था, लखनऊ का तो ये लिखा हुआ था, गलती होगी। तो ये दोनों नेपाल चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा विद्रोह हुआ। अब मौलवी अहमदुल्ला कौन है, मौलवी अहमदुल्ला मूल रूप से अकाट के निवासी हैं। अकाट जगह कहाँ है, ये है तमिलनाडु, ये जगह जो है ये है तमिलनाडु में, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम है, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के निवासी थे, तो ये अकाट के निवासी थे। और इनका मूल नाम क्या है, इनका नाम है अहमद शाह, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, अहमद शाह। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी एग्जाम में आए हैं। फैजाबाद जो आज अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, अंग्रेजों के द्वारा इन पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, ठीक है। 50,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम थी, आज के 50 करोड़ के बराबर थी, ये आप समझेंगे। तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया, और इनाम घोषित करने का कारण ये था कि मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद होता है धार्मिक युद्ध, ठीक है। तो ये धार्मिक युद्ध का नारा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था, इसी वजह से अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का नाम घोषित किया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी गद्दारी होती है भारतीयों के द्वारा। एक व्यक्ति है जगन्नाथ, ये पोवाया के शासक हैं, पोवाया, पोवाया। तो पोवाया के शासक जगन्नाथ, जगन्नाथ के द्वारा क्या होता है, इन्हें गोली मार दी जाती है, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला को गोली मार दी जाती है, और इनके शव को ये अंग्रेजों को दे देते हैं, और अंग्रेज इनके शव को शाहजहांपुर की कोतवाली पे इनकी गर्दन काट के लटका देते हैं, ताकि विद्रोहियों के मन में खौफ पैदा हो अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह किसने दबाया था, यहाँ पे विद्रोह जनरल रेनार्ड के द्वारा दबाया गया। तो ये हमारे विद्रोहियों के प्रमुख पॉइंट थे, लेकिन इसके बाद भी विद्रोह कई जगह पर हुआ। देखिए जैसे क्या हुआ, बरेली, बरेली में विद्रोह किसने किया, मैंने भी आपको बताया था कि बरेली में विद्रोह खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार इलाहाबाद, यूपी पीस के समय आया हुआ है, अभी 2-3 साल पहले आया था, इलाहाबाद विद्रोह किसने किया, लियाकत अली ने किया। मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर में विद्रोह फिरोज शाह, ये एक मुगल शहजादा है, तो यहाँ पे फिरोज शाह के द्वारा विद्रोह किया गया। इसके अलावा मेरठ में कदम सिंह, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हरियाणा में राव तुलाराम, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, सतारा महाराष्ट्र में है रंगो बापू जी गुप्ते, असम में मणिराम और कंद पेशवर, मणिराम और कंद पेशवर, ठीक है। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, और बागपत और बड़ौद के पास जो जगह है, यहाँ पे शाहमल के द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी प्रकार अन्य भागों में भी काफी जगह विद्रोह हुआ, लेकिन दक्षिण भारत लगभग अछूत रहा। पंजाब के जो सिख हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो यहाँ पे अंग्रेजों का साथ किस किसने दिया, पंजाब के सिखों ने, नेपाल के गोरखों ने, ठीक है, और सिंधिया फैमिली ने। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करो, तो राजस्थान के भी अधिकांश शासक न्यूट्रल रहे, या तो उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया, या फिर वे अंग्रेजों के क्या थे, समर्थक। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है कि किस किसने अंग्रेजों का साथ दिया, तो मैंने अभी आपको बताया है। और अगर आपको क्या करना है, देखिए मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी ये बोर्ड पर लिखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, तभी आपकी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो इसके बाद क्या होता है, अब विद्रोहियों का सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार ये विद्रोह का दमन आसानी से किया गया। कारण ये था कि विद्रोह जगह जगह पर हो रहा था, एक कोई शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। अगर जैसे ये हमारी 5 उंगली हैं, अलग अलग करके ये तोड़ दी जाएंगी, लेकिन अगर ये एक ऐसे मुट्ठी बन जाए तो इसे तोड़ना आसान नहीं होता। तो ये अलग अलग थी, ये खिंडी हुई थी, तो अंग्रेजों ने इन्हें अलग अलग करके आसानी से दमन कर दिया। दूसरा कारण ये रहा कि भारतीय जो ये है हमारे सैनिक या जो क्रांतिकारी हैं, इनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। अब देखिए भैया, डंडों का सामना जो है
गोली और डंडों की अगर आपस में लड़ाई होगी तो डेफिनेटली गोली जीतेगी, डंडे नहीं जीत सकते। तो भारतीयों के पास डंडे थे, हथियारों का इनके पास अभाव रहा, तो ये कमी रही। दूसरा, नेतृत्वकर्ता कोई सही नहीं था, कोई एक ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं था जो सभी विद्रोहियों को एक साथ एकत्रित करके क्या करता, विद्रोह का नेतृत्व कर सकता। तो ये बहुत कारण रहे। अब इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इसके बाद अंग्रेज सेना में जातीय भावना भरने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे आज सेना में अलग अलग रेजिमेंट बनी हुई है, जैसे सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इस प्रकार से जो रेजिमेंट बनी हुई है ये 1857 की क्रांति के बाद बनाई गई थी। हुआ ये था कि क्रांति के बाद क्रांति की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग कहलाया पील कमीशन। तो पील कमीशन के द्वारा जो है फिर बाद में क्या हुआ, जाँच पड़ताल हुई, और इसके बाद जो रेजिमेंट पहले थी 33वीं 34वीं 35वीं इस तरीके की रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया और फिर जाति आधारित रेजिमेंट का गठन किया गया। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक प्रभाव था। दो देश चीन और जापान ऐसे रहे जिसका इस क्रांति पे इफेक्ट पड़ा। कारण ये था कि कैनिंग चीन को जीतना चाहता था और उसने सेना एकत्रित भी की थी, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए उसे सारी सेना अपनी झोंकनी पड़ी और वो चीन पे आगे जाके आक्रमण नहीं कर पाया। और यहां से फिर अंग्रेज जो है अपनी प्रसारवादी की नीति का भी क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जापान का प्रभाव यह रहा कि इस समय जापान भी टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन वे यहां से इंस्पायर होते हैं और एक साथ फिर यूनिट होकर अपने देश को एक करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी हमारी आज 1857 की क्रांति की सीरीज, खत्म हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।